यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब से देखा, देखा था। कब से देख रहे थे? किसी ने, हमारे रिश्तेदार आए थे, उन्होंने बताया तो फिर हमने देखा। तो उनको रिश्तेदार ठीक हुए या ऐसे ही? ठीक हुए। तो जब कोई ठीक होता है तो वही एक दूसरे को बताता है, और कोई फंस जाता है कहीं बाबी बाबा के यहाँ जाके तो किसी को नहीं बताता है। कितने साल से दूसरे बार आए हैं? कितने साल से तुम इसके पेट के अंदर थे? पूरी ईमानदारी से बताओ। जल्दी बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। पट्टी खोलो, नींबू वहाँ रख दो। कितने साल से इसके पेट में थे? कितने साल से इसके पेट में थे? पूछो यार, पूछो। कितने साल से हो? कितने साल से हो? क्या बनाया बहन, बीबी, क्या बनाया इसको? इसको क्या बनाया बहन, बीबी, लड़की, क्या बनाया? क्या बनाया? बीबी। बीबी कितने साल से? सात साल। सात साल से क्या क्या तकलीफ पहुंचाया इसको? इसको तकलीफ क्या क्या पहुंचाया? ये बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। इसको तकलीफ क्या दिया? इसको तकलीफ क्या दिया? इसको तकलीफ क्या दिया? इसे तकलीफ नहीं देता। इसको तकलीफ नहीं देते हो? अच्छा, इसको आधा माइंड इसका पागल कौन बनाया? इसको आधा पागल किसने बना दिया? जल्दी बता, पूछो भाई, बता बता बताओ। ये बहुत मदद करती है सबकी, ये बहुत मदद करती है सबकी। अच्छा, किस चीज में तुमको करके कोई खिलाया था? किस चीज में अंदर गए थे? चावल। चावल, पंडित जी क्या बोले थे? चावल, टोकन पे भी लिखा होगा। भूत भी आपका बोल रहा है निकल के। कितने साल बाद तुम बाहर आए हो? कितने साल बाद तुम बाहर आए हो? सात साल। सात साल, इसके पहले भी बोला था, हम रिपीट करवाते हैं कि सात आठ नौ बोले तो थपड़ जाए, मगर वही सात, सात तो सात। ये सच बात है, ये जो बोलना है सच है। और कोई भाभी बाबा बोलता है, चाची किया, चाचा किया, ये सब बेवकूफ बनाने की बात है। ये बताएगा, ये सच है। इसको किसने करके खिलाया? इसकी कौन थी वो? इसकी वो कौन थी? मुझे नहीं पता। अरे पता तो तुझे सब कुछ है यार, कौन थी? मुझे नहीं पता। कौन था, थी या था, यही बताएगा? मैं नहीं बताऊं। अरे बता तो, जाते जाते एक अच्छा काम करो। इसका बच्चा कितना बर्बाद किया? मिस दो। मिस कह रहे ना, इसका पति बताया, तुम्हारी पत्नी है ना, ये बताई है, कोई बताया नहीं ना? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की, मैंने कहा ना सेल डाल दिया हूँ, अभी ये सब खुद ही बोलेगा। कितने कितने दिन का? एक दो महीने का और एक तीन महीने का। एक दो महीने का, एक तीन महीने का, सही है। पता है आपको ये कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। दिल्ली, नई दिल्ली से। यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब से देखा था। देखा था, कब से देख रहे थे? किसी ने, हमारे रिश्तेदार आए थे, उन्होंने बताया तो फिर हमने देखा। तो उनको रिश्तेदार ठीक हुए या ऐसे ही? ठीक हुए। ठीक हुए, तो जब कोई ठीक होता है तो वही एक दूसरे को बताता है, और कोई फंस जाता है कहीं बाबी बाबा के यहाँ जाके तो किसी को नहीं बताता है। अच्छा, आपने बताया? अच्छा, ये आपकी भाभी है, आप यहाँ कब आई थी? बनारस। तो फायदा हुआ आपको पक्का? कै परसेंट? 100%। चलो, एक बताया इसमें, एक बताया, हाजिर भी ये बात करूंगा, पहले इनसे निपट लिया जाए। अच्छा, इसको अब इसको बैठाओ साले को, ये सब बताएगा कि इसको चावल में खिलाया कौन, किसने खिलाया? हाँ, काम की बात करो ना, बता दे ना, जाते जाते एक अच्छा काम करना है, बता दो। नहीं बताओगे? क्या दुश्मनी थी उससे इसकी? ये बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। क्यों करती है मदद? अच्छा, ये क्यों करती है मदद किसी की? ओ, ये चक्कर। इसने कहा इसे मदद करने को, इसीलिए वो कर दी। हाँ, कौन लगती है इसकी? भाभी।
हमने कहा ना घुमा फिरा कर हम लोग सब कुछ पूछ लेते हैं और ये सब बता भी देते हैं ईमानदारी से। क्यों करती है मदद भाभी? किसने कहा मदद करने को? अब भाभी का नाम भी जानना चाहते हो? छोटी वाली बड़ी वाली? गुलशन है, गुलशन है, गुलशन है। और कुछ चाहिए? एक ही भाभी है, गुलशन नाम है। ये भूतों ने बताया, ये लड़की नहीं बता रही है। लड़की को भी ये भी नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। ये बता रहा है इसके पेट के अंदर से जो निकला है 7 साल बाद, वो सब कुछ बता रहा है। कहाँ से करवाई थी? नैहर से या ससुराल से? गांव से। गांव से? किसके गांव से? अपने गांव से। भाभी इसकी अपने गांव से, यानी नैहर। आप इसके साथ कोई और बातचीत करना चाहता है? ये आपकी कौन है? ये मेरी सोसा की भाभी, वो भाई है मेरा। और इसकी भाभी ने करवाया, इसकी भाभी नाम लग रहती है। यही जगह? अरे रे, तब तो आके हमें गोली मार ही देगी। यही जगह रहती है तो मुझे क्यों गोली मारेगी? ये तो भूत बोल रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। और कुछ आपको काम की बात पूछना है पूछिए। बस इतना ही से, बस वीडियो बन रहा है, नेट पे जाएगा, पता है ना। अब इसको ऊपर भेज दिया जाए, ठीक है? इसका नींबू दे दो, उसका बाल को गिटी बांध दो, थोड़ा गिटी के ऊपर गिटी दो। चावल कैसे निकला था, उल्टी से या लैट्रिन से? दवाई खाई थी और उल्टी हो गई थी। तुम्हें नहीं दिखा ना? ये गिटी के ऊपर गिटी, उसी के ऊपर ही कस के बांध दो। ये देख रहे हो बेवकूफ होगा, गिटी के ऊपर गिटी, और ये क्या कर रहा है? दूरी पर रहा है, काटना है भाई साहब, उसको काटना है। यार ये पागल आदमी है। रोग भाई, ये गधा है। कैसे मर गए थे? अच्छा ये बताओ तुम, हाउ अच्छे आदमी, तुम अच्छे आदमी नहीं मतलब प्रेत अब बन गए हो, कैसे तुम मर गए? कैसे मर गए थे? कोई मारा था तुमको? पता नहीं कैसे मारा था। क्या करते थे? खेत, खेत, खेत था, खेत में काम करते। खेत में खुद का था या वर्कर थे, मजदूर? खेत पे हल चलाता था। खेत पे हल चला रहे थे। कपड़ा क्या पहने हो? बनियान और तहमत। बनियान और तहमत मतलब नुंगी, मतलब ये भाषा में सब समझ जाए, जो भी वीडियो देखे समझ जाए। तहमत हम लोग समझ जाएंगे मगर हिंदू नहीं समझ पाएंगे। तो नुंगी, तो नुंगी सब समझता है। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 35 साल के हो। शादी हो गया था? क्या नाम है बीबी का, तुम्हारे बीबी का क्या नाम है? पता नहीं। बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे कैसे मर गए थे ये भी नहीं मालूम। बच्चे हैं? मुस्लिम हो या हिंदू हो? मुस्लिम हो। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद नाम है। किस गांव में रहते थे? टेपरा। टेपरा कहाँ है? अकबर अलीपुर। अकबर अली किधर है? ये लखनऊ के आगे पड़ता है। बरेली, गोंडा। अच्छा तुम्हारा? अच्छा अकबर अली पुरवा मेरे इसके दादा, दादा है ना? हाँ हाँ इसके दादा। हाँ इसके दादा का पूरा गांव नहीं, हाँ दादा का पूरा गांव, पूरे गांव का नाम उनके दादा पे पड़ा है। अच्छा वो टेपरा है। टेपरा? अच्छा टेपरा। अच्छा तो इसके दादा लड़की के जिम्मेदार थे क्या वहाँ के? अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान। चलो तुम कैसे मरे तुम्हें नहीं पता है? पता नहीं कैसे मरे। चलो कोई बात नहीं, अब इधर देखो मेरी तरफ। चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कहानी क्लोज, छोड़ दो छोड़ दो। गधे हैं वो गधे। क्या तुम्हारी कहानी बताओ। कितने फोन करके पूछते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है। आज क्या है? ईद है। ईद है ना, कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके
चले जाएंगे, कोई ना हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद बकरीद मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो आंधी तूफान बारिश मुझे यहाँ आना है, जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ, कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलेक्ट कर देता हूँ, जा भाई बड़े बाबा के यहाँ जाओ, छोटे बाबा के यहाँ क्या करने आ रहे हो, और सब पे हाजिर हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ, मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास दो ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे, मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते, तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे, शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो, मालिक पे, हो जाता है हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पे आपत्ति है, बाबा जी लिखा हुआ है बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग तो जल्दी फोन उड़ गया तो आपको बोलना है ना हेलो, कि हमें बोलना है, किसको बोलना है, जनता से पूछ रहा हूँ, अरे बोलो भाई बेवकूफ हो, कौन वही बोलेगा ना, हम वेटिंग पे रहेंगे दो दो मिनट तो फिर मैं बोलता हूँ फोन पे, अरे बेवकूफ हो बोलो, फोन उठा लिया हूँ तब बोलता है वो, अरे फोन उठ गया आपका काम है बोलना हेलो, तो फिर वो उठा भी लेते हैं तो बोलते हैं कौन, अरे भाई हमने आपको मिस कॉल तो किया ही नहीं है, आपने फोन लगाया है, ये पूछो कि आप बाबा जी के यहाँ से बोल रहे हो, बनारस से बोल रहे हो, हम बोलेंगे हाँ, कौन, हमका नहीं मालूम कौन, रख फोन, नहीं मालूम मुझे भाई, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ मुझे नहीं मालूम, रख फोन, तो क्या बताऊँ मैं भाई, आपको पूछना है ना कि बनारस से बोल रहे हो, बाबा जी बोल रहे हो, बात समझ में आती है हमारे, हम फोन उठाने के बाद वो कह रहे हो कौन, इस पे आपत्ति है मुझे। वीडियो में हमने पूरी लोकेशन जानकारी डाल दिया है ना, फिर भी लोग पूछते हैं पता दे दो, लोकेशन दे दो, खाली नंबर मिला है, किसी को कोई नंबर ना दे, अपने रिश्तेदार को या दोस्त यार को किसी को भी दे रहे हो ना, उसको बोलो बाबा जी भूत लिखो, वीडियो गूगल को बोलो दे देगा, पूरा वीडियो देखो समझ में आए जब ही आना। अब जो ऑनलाइन कराता है मैं उसको बोलता हूँ दो बात, पेशेंट का नाम फुल एड्रेस भेज दो, तो पूरे गांव का पूरे अपने कुंड का नाम भेज देते हैं, वो हमें चाहिए ही नहीं, पता इसलिए कि आप ऑनलाइन काम कराओगे तो जड़ी बूटी कैसे भेजूंगा, उसी पते पे भेजूंगा ना, कराओगे तो हम वही पते पे भेजूंगा, टोकन बनेगी उसी पर्चे पे, उसी टोकन उसी, ये फ्रेम है, तो पूरे गाँव का नाम भेज देते हैं उसके ऊपर, ये गलत है। पेशेंट जिसको दिखाना है उसका नाम भेजो, फुल एड्रेस भेज दो, फिर हम आपको अकाउंट नंबर देंगे, एक टोकन 1000 रुपये की है चेक कराने के लिए, फिर हम आपको अकाउंट नंबर देंगे, आप 1000 जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, टोकन नंबर आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में पहुंच जाएगा, बार बार फोन करके हमें परेशान ना करो, यही संदेश है। क्या निकला आपको उल्टी में, निकला। दो रास्ते हैं, उल्टी से या उससे, तो कितने बेवकूफ क्या कहते हैं नहीं निकला, मुझे इसमें भी आपत्ति है, नहीं निकला तो तुम कह ही नहीं सकते हो, आपने देखा होगा भी जी। देखा था ना, पढ़ी लिखी भी हैं, कितना 17 भी पढ़ी हैं, मैं कहता भी हूँ वीडियो में कि अंधे देख सकते हो तो देख लेना उसमें दिखेगा, वो बोलते नहीं उसमें दिखा नहीं, लैब में ले जाओ ना चेक करवा लो, लैब में बता देगा जो बोला था वही निकलेगा, पंडित जी जो बोल देते हैं कि ये निकलेगा वो स्कैन नहीं रहे, वो घुस जाता है आपके बॉडी में, हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहाँ तक कहते हैं इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर,
मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए, हमें क्या, हमें तो फिर भी एक घंटे चार घंटे बाद दफना देना, क्या दिक्कत है? और फोन करके बेवकूफी का फार्म कोई ना भरे। पता तो सच कर रहे हैं तो अजमेर बता रहा है, अजमेर का पता निकला है भाई, कोई सच किया है? 10% यही बोलते हैं अजमेर का पता आ रहा है। हमका पढ़े लिखे बेवकूफ इंसान किसी पढ़े से पढ़वा लेना, तुम पढ़े लिखे हो बेवकूफ हो, तुम पागल हो, वो सुनता होगा, मैं अभी कल ही ऐसा बोला हूँ लोगों को, बनारस या दिल्ली महीने में 2 बार वहां, तो यहाँ बंद रहेगा? नहीं बंद रहेगा, यहाँ लड़का रहेगा या वो लड़का दिल्ली जाएगा, बंद कभी नहीं होगा, ये बात समझ ले जनता, मैं वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ। कहाँ से आया था? सूरजपुर। सूरजपुर भटगांव। सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूँ या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दो। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम 2-4 बार बोलते ही रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को वहाँ आप लोग घूमते हो, अगर मौत हो जाए छीनना झपटी हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज,
इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज, जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।